अब देख रहे हैं कि दुनिया भर में आज क्या हो रहा है। वो बड़ी बड़ी ताकतें जो अपने चांद पर जाने का दावा करती थी और जो सितारों को मुजाखर कर रही थी, आज वो भी बेबस हैं। आज जनाब मुल्क बरतानिया का वज़ीर आज़म जो है वो इस बीमारी में मुबतला है, लेकिन वो बिल्कुल बेबस नजर आ रहा है। पूरे दुनिया में और बिल्कुल यूरोपीय ममालिक में और अमेरिका में जो है वो इस मुझी मर्द ने उसको लोगों को अपनी मौत के मुंह में घसीट दिया है। बहरहाल एक यम समझे कि मौलाना साहब ये क़यामत है, कुरान में पाक में है कि क़यामत जो है उसके दिन क़यामत के दिन एक नसा नफसी का आलम होगा। दोस्त दोस्त से नहीं मिलेगा, बाप बेटे से नहीं मिलेगा, बेटा बाप से नहीं मिलेगा। आज भी यही है, हम तो यहाँ हैं लेकिन एक दूसरे को गले नहीं मिल सकते। आज एक दूसरे को हाथ हम नहीं एक दूसरे से मिला सकते। बहरहाल इस मौके पर मैं गुजारिश यही करूँगा अपने दोस्त अहबाब से, इस सारे शुरकाए जनाजा से, कि इस्तग़फ़ार करें, बिल्कुल अल्लाह ताला की तरफ रजू करें और अल्लाह ताला इस निज़ाम से दुनिया को महफूज करें। अल्लाह ताला हमें इस निज़ाम से महफूज रखें और इस तरह जाने वाले के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हें जन्नत में अला मकाम अता फरमाए और इनके अलीदा कारण को जो है जमीन अता फरमाए। आखिर दावा अलहमदिल्लाह जिला अपनी तरफ से और अपने पूरे खानदान की तरफ से पूरे इलाके में अपनी पहचान रखते थे। मेरे खानदान के साथ इनका तकरीबन 100 साल से वाबस्तगी रही है। इंतहाई मिलनसार और मामला फेम शख्सियत थे। मैं दोनों खानदानों के साथ तजीद करता हूँ और बिलखसूस राजा अतीक साहब, राजा मुजीब साहब और रिटायर्ड डीपी अफजल अमीद साहब, और मैं इंतजामिया का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने यहां आकर हमारी हौसला अफजाई की और 4 फुट का डिस्टेंस है प्लीज़ उसको रखें। थैंक यू वेरी मच। आखिर मैं आप तमाम माँ बाप का कि आज के इन हालात में भी हमारी वादी बना की एक रीत है सर, फ्रंट पे ये इस्तेमाल शायद हजारों में होता, लेकिन मैं आप तमाम आने वालों को ये गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको एक एक कदम के बदले में हजारा नेकियां अदा करे। और मैं आप तमाम भी ये गुजारिश करता हूँ कि दुआ करें कि अल्लाह ताला अपनी मखलूक पे करम करे। हम गुनहगार लोग हैं, आज जिस अजाब में अल्लाह की मखलूक ने पकड़ी हुई है अल्लाह ताला मुझे निजात रहे। आमीन आमीन। और जो शाह साहब आए समझ लो, एक बात और जो मुझे बताई गई है कि जो मुतासरीन है उनसे आप मिलने की कोशिश ना करें, दुआ करें कि अल्लाह ताला जाने वालों के यहाँ आने वाले बड़े आसान हो जाए। आमीन आमीन। रात में जाने का वक्त हो चुका है तो राजा अब्दुल रऊफ खान साहब एक्सी डिप्टी कमिश्नर वो अधीन है, हम में से हर कोई चाहेगा कि उनसे मिलकर उसको भी तस्कीन हो, लेकिन उनकी सेहत इस बात की इजाज़त नहीं देती। जब आप फाजिया खानी के सिलसिले में घर जाएंगे तो कुछ फासले पर बैठ कर उसे इजहार तस्दीक कर सकते हैं। यहाँ जनाजे के बाद उससे मिलने की आप कोशिश ना फरमाएं। शुक्रिया। अब जनाजे का वक्त हो चुका है, नियत फरमा लें।
ایک مرتبہ سن کھا گئے، تین مرتبہ سن کے بلاک کریے۔